सोलन में जिला प्रशासन द्वारा ऑटो चलाने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे ऑटो में दो ही सवारियां बिठा सकते हैं और जो सवारियां उनके ऑटो में बैठेंगी उनका नाम पता वे नोट भी करेंगी। उन्हें ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑटो चालक सभी इन नियमों की पालना कर रहे थे, लेकिन जब से बसों को 100% क्षमता पर चलाने के आदेश दिए गए हैं, ऑटो चालक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बसों को पूरी क्षमता पर चलाने की अनुमति मिल सकती है तो उनके ऑटो चालकों को क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वे दोगली नीति से चल रही है और वे अपने खाली खजाने भरना चाहती है, जिसके लिए वे नियमों का सहारा ले रही है। अधिक जानकारी देते हुए सोलन ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और ऑटो चालक अमित ठाकुर ने कहा कि जब उन्हें ऑटो चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी तब डीजल का रेट 61 रुपए था, जो बढ़कर अब 73 रुपए हो चुका है, लेकिन उन्हें ऑटो का किराया बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऑटो चालकों से सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि बसों को 100% क्षमता पर चलाया जा रहा है, वहीं ऑटो में केवल दो ही सवारियां बैठने के आदेश दिए गए हैं, जो सरासर गलत है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऑटो में बैठने से ही कोरोना फैल रहा है, बसों में बैठने से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बसों में कोई भी ब्योरा परिचालक नहीं लिख रहा, लेकिन ऑटो चालकों को ब्योरा लिखने के सख्त आदेश दिए गए हैं और पुलिस उनका हर मोड़ पर चालान कर रही है, जिसके चलते वे बेहद आहत हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि बसों में 100% ऑक्यूपेंसी में ऑटो बसें चलाई जा रही हैं, और जबकि टैक्सीज और ऑटोज के लिए, या फिर आप बात करें टू व्हीलर्स के लिए, तो इसके लिए कोई भी गाइडलाइन अभी तक सरकार ने नहीं दी है। जबकि कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इकोनॉमी के केंद्र नहीं है, हमारे से इकोनॉमी नहीं चलती है, सिर्फ बसेज ही इकोनॉमी जनरेट कर सकती है, बसों से ही सरकार को रेवेन्यू आता है, कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा लग रहा है। और सरकार की नाकामी जो है वो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। सरकार ये कहती है, जैसे कि हमारी डायरेक्टर महोदय से मेरी बात हुई थी कल ही फ़ोन पे, तो उन्होंने हमें आश्वासन जरूर ये दिलाया था कि जल्द से जल्द आपके लिए भी ये गाइडलाइन जारी करी जाएगी, परंतु इसके विषय में हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। हमने इससे पहले DC महोदय से भी हमने एक लेटर हमने उन्हें दिया है, और उसके साथ RTO महोदय से भी हमने बात की, पर आश्वासन ही हमें दिया गया। हम लगातार इस बारे में उनसे चर्चा कर रहे हैं कि या तो हमारे किराए बढ़ाए जाएँ या फिर हमारे को जो है 100% ऑक्यूपेंसी करी जाए, परंतु ये जो सरकार ने रवैया हमारे साथ अपनाया है, सौतेला व्यवहार जो हमारे साथ किया है कि हमें सिर्फ दो ही सवारियां बिठाई जा रही हैं, और क्योंकि बसेस जो है इस समय अगर प्लाय हो रही हैं तो सिर्फ HRDC की हो रही है, और वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने यह निर्णय सिर्फ अपने घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 100% ऑक्यूपेंसी की जाए। आम जनता के बारे में, आम छोटे कारोबारियों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी, ना ही हमारे मंत्री, और ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ना हमें किसी प्रकार की आर्थिक मदद दी जा रही है, और न अन्य प्रकार की कोई भी हमें जो है सुविधाएं दी जा रही है। और इसके साथ साथ एक जो हमारे ऊपर एक काम थोपा गया है कि आप हर सवारी का ब्योरा लिखेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ ऑटो में बैठ के ही फैल रहा है, और ऑटो में ही अगर सवारियाँ बैठती तो कोरोना फैलेगा। बसेस और हम ही इसकी डिटेल रख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे को लोगों से गालियाँ भी सुनने को मिल रही है कि क्यों आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं। अभी मैं पीछे बस में बैठ के आया तो वहाँ पे तो हमारे से इस तरह का कोई डाटा नहीं लिया गया, परंतु अपने रोजगार को बचाने के लिए फिर भी हमने ये जरूरी समझा कि हमने कहीं ना कहीं अपने रोजगार को बचाना है, तो हमने इसको मेंटेन किया। परंतु अगर आप देखें तो बसेज में हमारे से ज़्यादा सवारियाँ बसेज में आज के टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो HRDC की बसेज हैं, प्राइवेट बसेज हैं, या टैक्सीज में बहुत सारी पंजाब और हरियाणा नंबर की प्राइवेट कारें और टैक्सीज इस समय यहाँ पे घूम रही हैं, परंतु उनका कोई भी जो है ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑटो चालकों को थ्रेटनिंग भी करी जा रही है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हम आपके चालान करेंगे। हमें हमेशा इसी बात से डराया जाता है कि आपके चालान करेंगे, और क्योंकि हम 10-10, 5-5 रुपये इकट्ठा करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, और हमें इसीलिए हमें धमकाया जाता है कि आपके चालान करे जाएंगे। सर देखिए, आज के टाइम में जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, जिसमें सरकार रोज नए नए नियम लागू कर रही है, तो देखने में आजकल ये आ रहा है कि जो बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जिस तरह की बसेस वगैरह, तो वहाँ पे सरकार ने ये नियम अभी निकाल दिया है कि आप 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ अपनी रूट पे बसेस प्लाई कर सकते हैं। पर जो ये छोटा
कारोबार है जैसे कि ऑटो थ्री व्हीलर आता ये भी ट्रांसपोर्ट में ही है, पर यहाँ पे सरकार के कुछ अलग ही नियम देखने को मिल रहे हैं जिसमें सरकार ये कहती है कि आप अपने ऑटो में सिर्फ दो सवारियाँ ले जाए। तो सर यही मांग हम रख रहे हैं कि जब बसेस में वो 100% सीटिंग कैपेसिटी पे अलाउ कर रहे हैं तो हमें भी उसी के साथ अलाउ किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि दो सवारियों के साथ हमारा सिर्फ 20 रुपये बनता है, तो 20 रुपये में हमारा तेल का भी किराया पूरा नहीं हो पा रहा है, जो बाकी खर्चे हैं वो सब कुछ अभी जो हमारा पुरानी सेविंग्स है हम उसी से कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या की बात इस समय हमारे लिए उत्पन्न हुई है। अब आप देखिए जो पिछले महीने 1 तारीख से जब ये चलना लागू हुए थे ऑटोज़ के लिए परमिशन मिली थी तो 1 तारीख को जो तेल का रेट था वो तकरीबन 61 रुपये था, 61 रुपीज़ पर लीटर, और आज की तारीख में वो 73 रुपये तक पहुँच चुका है। तो एक महीने में ही 10 रुपये का पर लीटर इंक्रीज़ हो चुका है, पर अगर हमारी जो इनकम है उसके बारे में देखा जाए तो कोई इजाफा नहीं हो रहा।